Yeah, hello, what's up everyone? It's me, Shailesh Vatkar, and welcome to my channel. Today we will talk about ETO course. Actually, everybody is asking me about what is ETO and how you join the Merchant Navy. So, I thought I would make a video about it. Everyone will know how you can join the Merchant Navy with the help of ETO course. So, what is ETO? ETO stands for Electrotechnical Officer. And this course, you have to do, so what are the eligible criteria? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12th विद पीसीए 50% होने चाहिए इन 12th एंड द सेपरेट सब्जेक्ट इंग्लिश शुड बी सेपरेट सब्जेक्ट इन 10th एंड 12th एंड विद इन दैट सब्जेक्ट यू मस्ट स्कोर एटलीस्ट 50% ये तो रहा फर्स्ट क्राइटेरिया सेकंड क्राइटेरिया डिप्लोमा में अगर आपने मिनिमम 60% स्कोर किए तो आप एलिजिबल हो और अदरवाइज आपने डिग्री की होगी और उसमें भी आपके 50% तक स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हो ये तीनों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हो आप तो आप एलिजिबल हो फॉर दिस कोर्स मेक श्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड योर डिप्लोमा एंड डिग्री इन दिस स्ट्रीम्स लाइक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इक्विवेलेंट सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स एंड कई अदर एस्पेक्ट्स है जिसमें आप फुलफिल होने चाहिए जिनमें से है कि हाइट योर हाइट शुड बी मिनिमम 157 सेंटीमीटर Your weight should be minimum 46 kg, not less than that. And your eyesight should be minimum 6x6. And no color blindness. They will make sure about it because color blindness thoda bhi wo log allow nahi karte. So your age limit is not more than 28 year old. And marital status should be unmarried. So these are the criteria for this course. So you have to make sure that you will fulfill all the criteria and there are so many institute but main to bolunga ki koi bhi institute ko select karne se pehle bahut bar soch lo kyunki job assurity hona bahut zaruri hai kyunki top 4 jo institute hai like anglo eastern great eastern tolani and samudra like ye institute jo hai na jo aapko job assurity dete hai aur usi hisab se ye log aapse fees charge karte hai तो मैं कहूँगा कि टॉप फोर से आप इंस्टीट्यूट से कोर्स कीजिए क्योंकि उसी से आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा एंड अदर भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक HIMT MET वहाँ पे आपकी फ़ीस भी कम होगी आपको कोर्स भी अच्छे से हो जाएगा बट इतना है कि आपको थोड़ा मतलब अश्योरिटी इतनी कम होगी मतलब ज़्यादा नहीं हो पाएगी यू हैव टू मेक श्योर दैट यू विल स्टडी हार्ड सो यू विल गेट अ जॉब अपॉर्चुनिटी लाइक इन एवरी इंस्टीट्यूट द कंपनी एटलीस्ट विजिट सो दैट टाइम यू हैव टू परफॉर्म वेल So you will get selected by company. Like there are so many company who come in HIMT institute also, MET institute also. So you have to perform well that time. So you will get job opportunity. So मैं कहूँगा कि top 4 में try कीजिए जितना भी हो सके उनके लिए prepare कीजिए. उनका भी एक अलग process होता है how you can apply for these institutes. Like उसमें कैसा होता है कि आपको एक पहले online जाके उनकी website पे check करना पड़ेगा कि कौन से मंथ में उनकी बैचेस स्टार्ट होती है कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में देर आर 3 बैचेस पर ईयर देर आर 2 बैचेस अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चेक एंड देन यू हैव टू अप्लाई सो वो तो आपने चेक कर लिया फिर वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से मंथ में बैचेस स्टार्ट हो रही है तो उस हिसाब से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने हैं प्रॉस्पेक्टस ले लेने हैं फिर उसके बाद एक ऑनलाइन आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी उस एग्ज़ाम का सेंटर आपके नज़दीक का कोई तो होगा वहाँ पर जाके आपको एग्ज़ाम देनी है एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको इंस्टीट्यूट से कॉल आएगी कॉल में बता दिया जाएगा कि आपको इंस्टीट्यूट में कब आना है और उसमें वहाँ पे आने के बाद आपके दो और टेस्ट होंगे जिसमें एक होता है रिटन टेस्ट और एक होता है ओरल टेस्ट जिसमें ओरल टेस्ट मीन्स वो पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है उसमें आपको पूछा जाता है कि पूछा जाता है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में क्वेश्चन होते हैं उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में क्वेश्चन होते हैं एंड और इक्विवेलेंट उसी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो आपको इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो लोग चेक करते हैं कि आपको मतलब मर्चेंट नेवी में कितना इंटरेस्ट है और हाउ मच यू आर रियली वांट दिस जॉब और यू वांट टू डू दिस ETO कोर्स तो उसी के ऊपर बेसिस वो लोग आपको सेलेक्ट करते हैं फॉर दैट कंसर्न बैच एंड उसके बाद फिर आपका इंस्टीट्यूट के वो एक बार सिलेक्शन होने के बाद फिर आपको कॉल आता है कि ऑन दिस डेट your course will be started so according to top 4 and rest of others institute fee structure should be like this means top 4 ke liye minimum you should have to pay 5 lakh minimum
एंड फॉर अदर्स 2 to 3 lakh फॉर 4 months ओके एंड आफ्टर दैट 4 months कम्प्लीशन यू विल गो फॉर द ऑनबोर्ड शिप ट्रेनिंग एंड उसके लिए अगर आपने टॉप फोर इंस्टीट्यूट से अगर कोर्स किया हो तो आपकी ट्रेनिंग के चांसेस ज़्यादा है जहाँ जब आप अगर कोई अदर इंस्टीट्यूट से करते हो तो आपको खुद से ट्राई करना होता है कि आप सिलेक्ट हो जाओ कोई कंपनी में तो आपको ऑनबोर्डशिप ट्रेनिंग दी जाती है अदरवाइज यू हैव टू स्ट्रगल यू हैव टू गो ईच एंड एवरी कंपनी यू हैव टू ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई देन यू विल गेट जॉब अपॉर्चुनिटी एंड देन यू विल कंप्लीट दैट ट्रेनिंग ऑफ 8 months ऑनबोर्डशिप ट्रेनिंग एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द CEOC एग्जाम विच इज सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड दैट एग्जाम वेंस यू क्रैक बोथ ओरल एंड रिटन देन यू विल बिकम अ ETO ठीक है एंड फ्यूचर स्कोप बताया जाए तो फिर ETO का मार्केट काफ़ी अच्छा है 2017-18 में तो बहुत सारा अच्छा था बहुत लोगों का फ़ायदा हो गया बहुत लोगों ने ETO कोर्स किया ज्वाइन किया एंड 2019 में भी अच्छा था स्ट्रगल था मैं स्ट्रगल कर रहा था खुद मैंने 6 months स्ट्रगल करने के बाद मुझे भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई तो यही है कि मतलब अगर आप अगर स्ट्रगल करोगे तो आपको मिल जाएगा बस इतना ही है कि आपको थोड़ा सीरियस रहना है और फोकस करना है कि हाँ मुझे ये कोर मतलब अचीव करना है ये कोर तो ही आप ये कर पाओगे तो एक बार आपने शिप ज्वाइन किया तो ऑनबोर्ड शिप 32 आप बोला जाता है ETO को 32 आप भी बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑफिसर कहते हैं या फिर बहुत सारे नाम है बल्ब भी कहा जाता है मतलब बत्ती भी बुलाया जाता है तो फिर ये तो हो गया ETO के बारे में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए अगर कमेंट कर रहे हो तो उसमें मेंशन कर दीजिए कि अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगा तो मैं उसके बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी मैं ट्राई करूँगा आपको देने के लिए और कमेंट कर दीजिए फिर अगर अच्छा लगा यूज़फुल लगा हो तो फिर शेयर कर दीजिए दोस्तों में काफ़ी सारे लोगों को ETO के बारे में जानना है तो फिर प्लीज़ अगर शेयर करोगे तो काफ़ी सारे लोगों को हेल्प हो जाएगी एंड मेक श्योर यू विल हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड थैंक यू लव यू ऑल सो फॉर मोर वीडियोस कीप ऑन वाचिंग फिट मरीनर ETO मैं मेक श्योर करूँगा कि आगे भी ऐसे ETO के बारे में वीडियोस लेते आता रहूँगा आपके लिए सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग